Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Jila Panchayat Adhyaksh Gaurav Chaudhary ke khilaf कई वार्डों के सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए कमिश्नर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में गौरव चौधरी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप यह भी है कि जिला पंचायत क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है। इसके तहत 140 फर्म को नोटिस जारी किए, लेकिन बाद में सभी को पैसा लेकर रफा दफा कर दिया गया। बोर्ड में दी गई जानकारी के मुताबिक 56 कॉलोनियों में से मात्र 2 के ही नक्शे स्वीकृत होने के लिए पंचायत को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 8.5 करोड़ रुपए की ब्रांडेड कंपनी की लाइटें लगाने में खेल किया गया है। 50% कमीशन खाकर इन्हें निम्न स्तरीय लाइटें लगवा दी गई, जो 2 माह में ही खराब हो गई। नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर धांधली कर राजस्व को चोट पहुंचाई गई है, ऐसे आरोप उन्होंने ज्ञापन में लगाए हैं। कमिश्नरी पहुंचे जिला पंचायत सदस्य विपिन भड़ाना ने यह जानकारी दी। मेरा नाम विपिन भड़ाना है। आज हम सब लोग जिला पंचायत के सदस्य माने कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, क्योंकि जिला पंचायत में लगातार जो वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं, जो जिला पंचायत को लूटा जा रहा है, उसको लेकर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और हमने अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से रखी है, जिसमें अनेकों प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ, नियुक्तियों के नाम पर पैसा लूटना और क्षेत्र में लग रही लाइटों को लेकर जो घटिया क्वालिटी की लाइट लगाकर ज़्यादा कमीशन वसूलना और कई मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो ठेकेदारों को अभी चाहिए, ठेकेदारों को टेंडर देना और जो और ठेकेदार हैं उनको दरकिनार कर देना, जिस तरीके से लगातार बोर्ड में सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे कॉलोनियों का सवाल हो, कॉलोनियों पे सवाल उठाया, उसमें पूछा गया कि कितनी कॉलोनियां जो कच्ची हैं, जो देहात क्षेत्र में पनप रही हैं, उनमें से जवाब मिला था 56 कॉलोनियाँ हैं, 56 में से मात्र 2 का ही नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आया है। बाकी 140 फर्में ऐसी हैं जिनको जिला पंचायत ने सिर्फ नोटिस दिया और नोटिस देकर पैसे का गोलमाल कर लिया है और मोटा पैसा वसूल कर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने इनको सबको रफा दफा कर दिया। तो उसी क्रम में हम आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और अपनी बात हमने कमिश्नर साहब को रखी, विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। हमने बात एक ये भी रखी कि जितने भी माने सदस्य हैं सबको समान रूप से काम मिले, जबकि ऐसा बोर्ड में नहीं हो रहा है। उनके कुछ ही चहेते जो सदस्य हैं उनको ही काम मिल रहा है और उन्हीं को ही काम वो दे रहे हैं लगातार। तो लगातार बोर्ड में ये मुद्दे उठते आए हैं, साथ ही सभी माने सदस्य हमारे साथ हैं, आप इनसे भी जानकारी कर सकते हैं क्या परेशानी जिला पंचायत में चल रही है। आगे की रणनीति साफ साफ है, कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो हम ज्ञापन के माध्यम से उन्हें हमने एविडेंस भी दिए हैं साथ के साथ, कि विदेश यात्राओं का भी एक उसमें क्वेश्चन है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष को लोक सेवक माना गया है और एक ये पंचायत राज एक्ट में भी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद पर रहकर, संवैधानिक पद पर रहकर तुम जो है जिला देश छोड़कर नहीं जा सकते, अगर देश छोड़ के जाएंगे तो आप परमिशन लेंगे प्रदेश सरकार से, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और बार बार वो विदेश जाते रहे, जिससे क्या होता है कि जिला पंचायत की जो कार्य योजना भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं हम जिला पंचायतों का भी कोई काम नहीं हुआ, जिला पंचायत पे हमेशा ताला लगा रहा। कितने जिला पंचायत सदस्य आज हम 15 लोग यहाँ पर पहुँचे थे और जो 15 लोगों ने अपने अपने साइन के माध्यम से भी, अपनी बात के माध्यम से भी माने आयुक्त साहब को हमने अवगत कराया और आगे की रणनीति ये है कि जैसे ही यहाँ से कार्रवाई होगी और हमने वित्तीय अधिकार उनके सीज करने के लिए भी एक मांग रखी है कि जब तक ये जांच चले जिला पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय जो अधिकार हैं वो सीज हों, उसके बाद आगे कार्रवाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।